वेलकम बैक दोस्तों, आज हम बात करने वाले लैपटॉप्स की। लैपटॉप्स की आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत लोगों को पड़ रही है, और जिस तरह से कोरोना पेंडेमिक के बाद में वर्क फ्रॉम होम का कल्चर मतलब आगे बढ़ रहा है, उसके बाद में ऑनलाइन एजुकेशन, उस तरह से लैपटॉप का यूज़ बहुत ज़्यादा अचानक बढ़ गया है। वैसे लोगों के घरों में लैपटॉप पड़े रहा करते थे, लोग यूज़ नहीं किया करते थे, और इसका फ़ायदा और कुछ कंपनियाँ जैसे कि MI और नई जो कंपनियाँ आना चाह रही हैं वो लैपटॉप की मार्केट में वो उठा सकती हैं, और आसानी से बहुत अच्छा लैपटॉप अभी सस्ता लैपटॉप लॉन्च हो सकता है। क्योंकि अभी जो AMD है वो भी अपना एक नया प्रोसेसर लेकर के आ रहा है 5000, जो बहुत ही सस्ता बताया जा रहा है कि बहुत सस्ते दामों में वो जो है मार्केट में अवेलेबल होगा। तो इस तरह से लैपटॉप की मार्केट को कैप्चर करने के लिए MI ने भी पूरी तैयारी की हुई है, और अभी 22 अक्टूबर को MI ने 26000 में i5 का लैपटॉप भी फ्लिपकार्ट पे सेल किया, जो काफ़ी एक घंटे करीब तक सेल चली और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उसको परचेज़ भी किया। तो इससे अंदाज़ा होता है कि MI पूरी तरह से लैपटॉप्स की मार्केट पर फौरे करने के लिए, अटैक करने के लिए तैयार है, और आगे की लैपटॉप की मार्केट को मैं कुछ उस टाइप की देख सकती जिस तरह से इस वक्त मोबाइल की मार्केट चल रही है, कि ज़्यादातर कंपनियाँ मोबाइल अफोर्डेबल मोबाइल फ़ोन्स लॉन्च कर रही हैं सारे फीचर्स के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीचर मिल रहे हैं आपको 15-16 हज़ार के फ़ोन में, एक से एक बढ़िया कैमरा और मेमोरी रैम सब कुछ आपको बहुत अच्छा मिल रहा है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, कस्टमर ज़्यादा है, तो इस वजह से प्रोडक्शन ज़्यादा है, और इस वजह से कंपनियों को प्रॉफिट भी ज़्यादा है। कम पैसे में आपको फ़ोन दे करके भी वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा ले रही हैं। तो जिस तरह से लैपटॉप की डिमांड बढ़ी है, इसका प्रोडक्शन बढ़ने वाला है, और जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा आने वाले 5-6 महीनों के अंदर लैपटॉप्स के रेट काफ़ी डाउन होंगे, और आपको बहुत सस्ते दामों में लैपटॉप्स देखने को मिलेंगे। तो अभी अगर आप लैपटॉप लेना चाह रहे हैं तो थोड़ा बहुत अगर कर सकते हैं तो कर लें, क्योंकि AMD 4000 प्रोसेसर आ चुका है, ये भी थोड़ा सस्ता होना, उसके बाद AMD 5000 आने वाला है, इंटेल का एक प्रोसेसर का लैपटॉप आने वाला है जो कि तकरीबन 36000 तक का लैपटॉप होगा, और जिसके अंदर i5 का दमदार प्रोसेसर होगा, और काफ़ी अच्छी उसकी परफॉर्मेंस बताई जा रही है। तो उस प्रोसेसर के आने के बाद में जो पीछे के प्रोसेसर हैं जो अभी करंट में चल रहे हैं वो डेफिनेटली सस्ते होंगे। जब 36000 का बिल्कुल नया वाला प्रोसेसर होगा 10th जनरेशन का, तो उसके पहले वाले अपने आप ही सस्ते हो जाएंगे। तो ये जो करंट लैपटॉप्स आपको मिल रहे हैं ये काफ़ी सस्ते दामों में आपको मिलने लगेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल पर नए हों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।